हमारे साथ इस वक्त प्रीति मौजूद है। मुंडका में जिस फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी, उस फैक्ट्री के अंदर जब आग लगी उस दौरान अपनी जान बचा करके जो है वो बाहर निकल पाई। इनके हाथ पे चोटें आई हैं, पैर में चोटें आई हैं। प्रीति ये बताइए कि कितने बजे ये हादसा हुआ, आप कहाँ थे और कैसे आप सबको चोट लगी? ये हम ऑफिस में आ रखे थे, हमारी मीटिंग थी, बाहर से लोग आ रखे थे तो मीटिंग थी तो लाइट ही चली गई थी, फिर जनरेटर चालू करा तो शॉर्ट सर्किट हो गया, अंधे काला धुआं आ रहा था तो सब सर ने बोला कि आप अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो। फिर हम अंदर ही थे बहुत देर से, फिर जैसे शीशे तोड़ रहे, टूट रहे नहीं थे शीशे हमसे, तो शीशे उस ड्रेसिंग टेबल से मार रहे, फिर तोड़े, तोड़ उड़ के सांस उस ली, गेट खुला रहा, फिर ट्रेन से बुला के लाए लोग, ट्रेन से उतारे लेडीज से, एक लेडीज तो लटक गई थी पूरी गिरने वाली थी, फिर उतार उतार के, फिर रस्सा भी बांध रखा था गली में, तो आधे तो रस्से से उतर गए, कोई जीने से, कोई कैसे उतर गए, लेडी से फंस गई थी जो बारी बारी थी ना, लेडी से फंसी थी और लास्ट में मैं और दो लड़कियां रह गई, तो मेरे को भी लग रहा था कि मैं भी उतरूं, तो मैं रस्से पे गया, एक बार तो देख के डर के वापिस चले गए, फिर दूसरी बार तो मैंने रस्सा पकड़ के कूद ही गए हम। आपकी चोट लगी? हाँ, ये हाथ उसी से जल गया। पूरी थी, कितने लोग अंदर मौजूद थे? 250-300 लोग होंगे। फैक्ट्री के ऑनर भी उस वक्त मौजूद थे? सब थे, सब। सब कैसे बाहर आया? सब रस्से से आए हैं, कोई उससे आए हैं, और मालिक लोग तो वही थे, वो नहीं उतरे सर, इसके सामने नहीं। मेरे सामने मालिक लोग नहीं उतरे थे, 6 बजे तक, 6 बजे मैं उतरा हूँ, पूरे 6 बजे ऊपर से नीचे रस्से से। मालिक घंटे बाद फायर टाइम पर पहुंची थी? नहीं, टाइम पे नहीं पहुंची थी, 4:30 बजे की आग लगी, फोन करा फायर ही नहीं आई थी, जब तक हम थे जब तक भी नहीं, 6 बजे भी फायर नहीं आई थी। आप पहले कौन सी फ्लोर पे थे और आप उस वक्त? 4th फ्लोर पे थे, 3rd फ्लोर पे मीटिंग हो रही थी। हाँ, उसके बाद आग बढ़ती चली गई नीचे? हाँ, बढ़ती जा रही, जब काला धुआ है ना, जब भागे हूँ मैं तो, जब वहाँ से कूदे हम, बहुत बंदे कूदे, सबके हाथों में चोटें आई है, अभी और आ रहे हैं सब, सब हॉस्पिटल में। अब फिर आई आपके अलावा और कहाँ कहाँ चोट लगी? हाथ में, ये कमर, ये पूरा, ये पाँव, सब सबके फोन उन वही जल गए, सब कुछ वही है। किसकी कमी मानते हैं, क्योंकि करीबन 27 लोग? चौकीदार की मानेंगे, उसने बताया नहीं, वो ही भाग गए गार्ड, हम तो उसी की मानेंगे ना, मालिक की तो कोई गलती ही नहीं है उसमें, वो तो हमारे साथ थे। गार्ड भाग गया था? गाँ, गार्ड ने नहीं बताया था, गार्ड ये भी है, इसको भी लगे। और जिनके चोट लगी, आप भी उस वक्त मौजूद थे? मैं भी था। क्या हुआ था? आप पे आग लग गई थी, तो पीछे से जो शीशा ना वो तोड़ के निकले हम सारे के सारे, जितने भी थे। यहाँ पे लगी हुई है, ये देखिए हाथ में चोट है, किस तरीके से जब ये हादसा हुआ था और कैसे अपनी और अपने आसपास के जितने भी लोग थे उनकी जो है वो जान बचाने के लिए जो है, कहाँ पर दिखाई, कहाँ चोट लगी? अंदर तक लगी है यही, कहाँ पे, कहाँ चोट? बाहर नहीं दिख रही, अंदर लगी है चोट, उन्हीं चोट। हाँ, दोनों चोट है यार, गिरा था मैं वहाँ से तीसरी मंजिल से, दूसरी तीसरी मंजिल से आप कूदे? हाँ, दूसरे फ्लोर है ना जहाँ से आग लगी थी, वहाँ से कूदा हूँ मैं बिल्कुल। ये आग लगी थी वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे, कितने लोग थे वहाँ पर? सभी डिपार्ट, पूरा डिपार्ट, ऑल डिपार्ट वहीं पे मौजूद। अच्छा, वहीं पे था सभी। बाहर कैसे निकल पाए, मतलब कुछ सीढ़ियाँ भी ब्लॉक थी? शीशा तोड़ा था हमने, शीशा तोड़ने के बाद रस्सी वगैरह आई है, ऊपर रस्सी बांध दिया, उससे एक फ्लोर तक तो ठीक निकला, फिर रस्सी पूरी गर्म थी, रस्सी पकड़ रहे थे, हाथ जल रहे थे, वहां से रस्सी छूट रही थी हाथ में से, फिर वहां से सीधे नीचे कूद रहे थे, 8-9 जने नीचे भी खड़े थे जो हमें बचाने के लिए खड़े थे, इधर तंबू भी लगा हुआ था वहां भी बचा रहे थे, उस साइड से सीढ़ी भी बांधी हुई थी, बहुत जने बचे। फैक्ट्री के जो मालिक है उनकी तरफ से कई आपको लगता है कि खामी थी, क्योंकि उनके ऊपर अब केस रजिस्टर्ड हो गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया दोनों? अभी देखो मालिक का तो कुछ कह नहीं सकते, मालिक लास्ट तक ऊपर ही थे, मालिक तो वो सब निकाल रहे थे, मालिक तो ऊपर ही खड़े हो गए सबको, पहले सभी लेबर जितने भी ना इनको ही निकालेंगे, फिर बाद में निकलेंगे हम। आप भी यहाँ पर थे? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं थी, मेरे को 6 महीने हुए अभी काम छोड़े हुए सर। हाँ जी, मेरी सिस्टर फंसी हुई थी, मेरा भाई फंसा हुआ था सर, और काफी लोग हैं साथ के जो फंसे हुए हैं उसके अंदर, भगवान जाने बचे भी हैं या नहीं बचे सर, आधे से ज्यादा तो। हाँ जी सर, जिम्मेदार मान सर, अब क्या कह सकते हैं, ये तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है सर, अब किसको जिम्मेदारी कर सर जी, जो ये जो भी है सर, अगर चौकीदार उस टाइम पे बता देता ना तो सर ये सारी चीजें कवर हो सकती थी सर, चौकीदार देखते ही भाग लिया सर वहाँ से। हाँ जी सर,
हाथों में पैरों में कैसे चोट लगी और उसके बाद किस तरीके से अपनी जान बचा करके जो है वो शीशे तोड़ करके तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल से कूद कूद करके अपनी जान बचाई। कई लोगों ने दूसरे सहयोगी की भी जान बचाई जिसके कारण कई सारे लोगों की जान जो है वो बच सकी। लेकिन इस सीधे तौर पर जिस तरीके से आग बढ़ी उसमें सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसमें फायर जो है वो काफी देरी से पहुंची जिसके कारण आग बढ़ती चली गई और कई लोगों की जान चली गई।